हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी जो सेमेस्टर टू की जो रनिंग क्लासें चल रही है रेगुलरली, तो उसी का एक नया चैप्टर है। और ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो ये बीए पार्ट वन है जिसका सेमेस्टर टू हम जो पार्ट देखने जा रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर वन आपके हो चुका है, रिजल्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा आपका सेमेस्टर टू की जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है। अब जो बीए सेकेंड ईयर जो फाइनल की जो क्लास एग्जाम चलेगी उसके पूरे होते ही आपके जो सेशनल टेस्ट हैं, जो आपका सेशनल वर्क है, इसके बाद में जो आपकी ये जो रेगुलरिटी है, जो ये क्लासेज जो हमें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको देखते रहिएगा। और इसके बाद ही आपकी क्या हो जाएगी, सीधा जो जून और जुलाई का जो वीक है उसके अंदर आपकी डेट की जो सेमेस्टर टू की जो घोषणा है वो आपके सामने देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों का भी नुकसान ना हो इस 2 महीने के बीच में। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को देखना, शेयर करना, अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी बताना। और जैसे जैसे आप इस क्लासों को देखोगे आपको एक पोर्शन समझ में आएगा, और जो हमारा सेमेस्टर टू है इसके अंदर आप अच्छे से अच्छे नंबर जो गेन करोगे वो मैं यहाँ से क्या है पूरी कोशिश करूँगा। और इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारा बीए पार्ट वन है उसका जो ये पोर्शन है, बीए पार्ट वन जिसमें सेमेस्टर टू है, कौन सा है, सेम टू। अब यहाँ पे एक मुख्य बात आती है कि कई लोग जो वहाँ पे जब वीडियो में कमेंट आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारी ये पोएम हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मैं ये क्लासेस लेके आता हूँ, ये जेएनयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जेएनयू जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर वाली, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेएनयू वाले जो बच्चे हैं जो कॉलेज के, वो यहाँ से ये सारी क्लासें देख सकते हैं। अदर जो यूनिवर्सिटी है जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो आप अपनी सिलेबस पे देखना, और वहां से अगर आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे मिलते हैं तो आपकी ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी। आने वाले समय में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि मैं राजस्थान की जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसकी हर किसी के सब्जेक्ट का, हर इंग्लिश लिटरेचर के, हर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है हमारा जो यूजी लेवल पे चलता है, उन सारी क्लासों को मैं एक एक करके आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। और जुलाई महीने से जो हमारे आने वाला जो नया सेशन होगा उस समय से जो नया जो सिलेबस आएगा उस अकॉर्डिंग मैं आपके सामने एक एक सारी ऑनलाइन क्लास लेकर आपके लिए जरूर आऊँगा। तो आज हम अभी देरी ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो 3 बुक्स से चलती है जो सेमेस्टर टू के अंदर, ऐसे वाली स्टोरी की और जो नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल या प्ले जो भी आप कहते हो, ठीक है। तो ये जो ऐसे हैं, ऐसे चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और ऐसे के अंदर अब जो आज हम जो ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा ऐसे है, जॉन बैंटन प्रेस्ले का, जॉन बैंटन प्रेस्ले का जो ये ऐसे है ऑन ट्रेवल बाय ट्रेन, ये हमारा आखिरी ऐसे है। चैप्टर नंबर ये 8 है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, और ये हमारा लास्ट ऐसे है। इसके बाद जो ये बुक होती है ऐसे वाली ये कंप्लीट होती है। कल हम क्या करेंगे, जो हमारे नई क्लास आएगी अगली वाली उसमें हम स्टोरी का पोर्शन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी जो ये 8 जो ऐसे हैं निबंध है जो आपके सिलेबस के अंदर, ये सारे मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, कवर करवा दिए। आप जरूर देखना एक बार वहाँ पे जाके, सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सारी क्लासें आप अच्छे से अच्छे देखना, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इन क्लासों को अपने और भी जो मित्र हैं, आपके और भी जो दोस्त हैं साथी हैं, उन्हें भी क्या करना, इन वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि क्या हो, जो मैटर मैं यहाँ पे ला रहा हूँ वो उन्हें भी क्या हो, कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिल जाए, ठीक है। तो मदद करना चाहिए एक दोस्त की। सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन है हमारा ऑथर का, जो हमेशा हम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो काम लिखते हैं, है ना, कि हम किसी के घर पे भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये घर किसका है, तो उसका हम छोटा मोटा जो बायोडाटा होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है वो जरूर ले लेते हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसके घर में एंटर होते हैं। तो इसी तरह जो आपका
जो मैं ऐसे लेके आता हूँ, तो थोड़ा बहुत जिसका भी ये ऐसे हैं उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन बी जे बी प्रेस्ले, जिसका शॉर्टकट में नाम कहते हैं जे बी प्रेस्ले, वॉज बॉर्न इन 1894 के अंदर इनका जन्म होता है एट ब्रेफोर्ड। कहाँ पे होता है? ब्रेफोर्ड में, जो कहाँ पे है? यॉर्कशायर में, ब्रेफोर्ड में होता है, जो कि कहाँ पे है? यॉर्कशायर में। ही स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पे इनकी क्या होती है, स्टडी होती है। इन 1722 ही एस्टैब्लिश हिम एज ए रिव्यूअर, 1922 में ये स्वयं को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एज ए रिव्यूअर, एज ए क्रिटिक, एज ए प्ले राइट एंड एज ए नॉवेलिस्ट। इतने सारे जो काम थे उनके रूप में ये अपने आप को, स्वयं को क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि मैं एक क्या हूँ, रिव्यूअर हूँ, किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकता हूँ, अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा क्रिटिक भी हूँ, क्योंकि मुझे क्रिटिक करना आता है, मैं किसी भी चीज़ का क्या कर सकता हूँ, आलोचना कर सकता हूँ। उसके बाद में ये कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, प्ले राइट भी हूँ और क्या हूँ, नॉवेलिस्ट भी हूँ। तो ये जो चार काम थे जो मुख्य, जो हमारे जे बी प्रेस्ले हैं, वो 1922 से करते हुए हमारे सामने आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ही रोट ही ए सीरियस पर्पस, कि ये हमेशा जो काम लिखते थे वो बड़ा ही सीरियस, बड़ा ही एक कह सकते हैं ना कि विदाउट एनी मजाक या विदाउट एनी कॉमेडी, वो जो बातें लिखते थे बड़ी सीरियसनेस थी, बड़ी ही कह सकते हैं कि एक सोचने वाली जो बातें थी वो लिखते थे। वी नोटिस मच सोशल क्रिटिज्म, हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता था वो था सामाजिक आलोचनाएं, जो सामाजिक जो घटनाएं होती थी, सामाजिक जो कुरूतियाँ थी उनके ऊपर हमें उस समय जो हमारे जे बी प्रेस्ले हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन हीज वर्क्स, इनके कामों में ये सारी जो बातें थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो मुद्दे थे, उन चीज़ों को हम क्या है, स्पेशली जे बी प्रेस्ले की जो बुक्स हैं, जो उनके काम हैं, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्रेस्ले वेल नोन राइटिंग्स आर, उसके कुछ मुख्य काम थे जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। एंजल पेमेंट, एंजल पेमेंट द मोमेंट्स एंड अदर एसे फोर इन हैंड व्हेन वी आर मैरिड एंड द अदर ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड इन 1978, कि इनके कुछ बातें जो बुक्स हैं वो है एंजल पेमेंट द मोमेंट्स एंड द अदर एसे फोर इन हैंड When we married, ये कुछ उनकी बुक्स थी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके साथ ही जब इनकी डेथ होती है, ये हेवनली अबाउंड हो जाते हैं 1978 के अंदर, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बर्थ कब होता है इनका? 1894 के अंदर, और 1978 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये था हमारे जो जे बी प्रेस्ले हैं उनका कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने लेके आया। अब हम देखते हैं हमारा जो ये बुक है, जो हमारी जो चैप्टर है, जो हमारा जो ऐसे है, उसके बारे में देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जे बी प्रेस्ले हैं, ऑन द ट्रेवल्स बाई ट्रेन, जो हमारा ऐसे हैं जो हम पढ़ने जाएंगे आज, वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेवलर्स इन ए ट्रेन। ये कहते हैं कि हमें ट्रेन के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर कई तरह के ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं, वो देखने को हमें उस ट्रेन के अंदर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सोन एक्सेंट्री वंस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एसेंट्री होते हैं, बड़े एक सीधे साधे स्वभाव से, जो एक मुझ एक कह सकते हैं ना कि एक सीरियसनेस के साथ जो यात्रा करते हैं। ही हैज़ कमेंटेड ऑन द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ए मिडिल एज वूमेन, ये यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कुछ एबनॉर्मल, जो मानसिक रूप से या कह सकते हैं कि कुछ एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ना रह के कुछ थोड़ा सा उनमें चेंजेस हैं, ऐसी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ओल्ड एज जो वुमेन्स हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे इस ऐसे के अंदर। एंड एनुएबल ट्रेवलर्स एंड द गिल्टन्स एंड सम चिल्ड्रंस एंड द मिसग्यूज पर्सन्स द माइटी स्लीपर्स एंड द सेलर्स एंड द नीटी ड्रेस्ड एल्डर मैन, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो यंग एज महिलाएं हैं, जो गिल्टन्स हैं, जो कुछ ऐसे ट्रेवलर्स जो कि क्या सोते रहते हैं,
कुछ सेलर्स हैं जो कि क्या है, कुछ फौजी हैं, तो ऐसे कई यात्री हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्क से रिलेटेड, अलग अलग नेचर के आदमी जो, या महिलाएं जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रेन के अंदर जब यात्राएं, जब ट्रेन चलती है तब यात्रा उस ट्रेन में कर रहे होते हैं। द पीपल्स ऑफ ऑल द एबो मैंसन कंस्ट्रेड द असिस्ट अस द ट्रेवलर, कि इस जो पीपल, जो ये लोग हमने मेंशन किए ऊपर इस ऐसे के अंदर, इसके अंदर काइंस्ट्रेट द एसिस्ट, कि इसके अंदर हमें जो हमारे जो निबंधकार हैं जेपी प्रेस्टले, वो भी एक ट्रेवलर के रूप में इस ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं। द मोस्ट टेडियस अमोंग देम इज सोन द एल्डर मैन, कि इन्हें जब ट्रेवलिंग कर रहे थे तो सबसे मोस्ट या मोस्ट उन्हें ऐसा एक व्यक्ति दिखा जो कि कौन था, एल्डर मैन था। इट इज ए रिफ्लेक्टिव एसे विच एक्विटेंस टू विद ए स्ट्रेंजर्स ऑफ ए बिहेवियर द पर्सन्स एज ए ट्रेवलर इन द ट्रेन, इस ऐसे के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो लोग हैं, उनका जो बिहेवियर है वो अलग वे में किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होता है। एक नया जो बिहेवियर है, एक अलग अलग तरह का जो व्यवहार है इंसानों के बीच में, वो हमें इस ट्रेन की यात्रा के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो हम ये ऐसे क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे जेबी प्रेस्टले हैं, वो जो लोगों का जो बिहेवियर है, जो एक कह सकते हैं कि एक अलग उनकी सोच विचार है, उनकी जो धारणाएं हैं, वो हमें इस ऐसे के थ्रू देखने को मिलती है। सबसे पहले हम अगर आउटलाइन देखें हमारे ऐसे की, तो उसमें हम देखेंगे द एसिस्ट हैज एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले जब यात्री जो हमारे जेबी प्रेस्टले हैं वो क्या कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस कि जो अनुभव है और जो ऑब्जर्वेशन है जो वो भाप लेते हैं, उससे वो क्या करते हैं, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन कि वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, खुद के विचार बताते हैं कि किस तरह से जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मेरा जो एक्सपीरियंस और जो मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ दूसरे यात्रियों के प्रति वो किस तरह का है, वो ये इस ऐसे के अंदर हमें बताएंगे कि ही हैज कैटेगराइज द ट्रेवलर्स, उसने क्या किया, जो यात्री थे उनकी कैटेगरी कर दी, क्या कर दी, कैटेगरी कर दी। फिर कहा देर आर ए ट्रेवलर्स लाइक ए मिडिल एज वुमन, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ट्रेवलर्स थे जो कि क्या थी, मिडिल एज वुमन, अधेड़ महिलाएं, ठीक है, आधी उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो, ठीक है, हु ब्रिंग्स विथ हर हेटर एंड थ्रेट्स, जो कि क्या है, खुद के साथ क्या लेके आई थी, कुछ थ्रेट्स, कुछ परेशानी जैसी चीजें, कुछ ऐसे कुछ विषय वस्तु या ऐसे कुछ मटेरियल जो कि क्या कर सके, दूसरे लोगों को परेशान कर सके, थ्रेटन कर सके। सी नोज नो क्यूरियोसिटी एंड मॉडेस्टी एंड ऑल डिसलाइक हर, कि उसको ना तो किसी की पड़ी थी, ना वो किसी के बारे में सोच रही थी, और सारे लोग उसे क्या कर रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे। द सेकेंड काइंड ऑफ ट्रेवल्स आर ट्रबलसम, कुछ ट्रेवलर्स ऐसे थे जो कि क्या थे, ट्रबलसम थे टू अदर पैसेंजर्स, जो कि दूसरे पैसेंजर को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे जब हम रेल में जा रहे होते हैं तो ऐसे कुछ ट्रेवलर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हा हल्ला करके जो पास वाले जो ट्रेवलर्स हैं उन्हें भी क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मानते नहीं हैं। तो इस तरह के भी लोग उस ट्रेवलिंग में, उस ट्रेन की ट्रेवलिंग जब ये कर रहे थे जेबी प्रेस्टले, उन्हें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर कहते हैं आगे कि सच वंस टेक ए अमाउंट बैग एंड बैगेज विद देम ड्यूरिंग द जर्नी, और कुछ ऐसे थे जो कि क्या है, एक बैग और बैगेज, इतना भारी भरकम सामान लेकर भी कुछ लोग क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। द अदर सॉर्ट ऑफ ट्रेवलर्स अवे ईट एंड ड्रिंक इन ए कंपार्टमेंट एंड मेक ए डटी विद द वेपर्स एंड लेफ्ट ए लेफ्ट ओवर्स, कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का उसको क्या कर रहे थे, पूरी तरह से गटी कर रहे थे, गंदा कर रहे थे, और वेपर्स को इधर उधर क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। सम चिल्ड्रंस आर ऑल्सो नॉट गुड ट्रेवलर्स, कुछ जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, वो भी अच्छे नहीं थे। हु डिस्टर्ब अदर्स एंड मेक देमसेल्फ डटी ऑल द वाइल, जो कि क्या कर रहे थे, दूसरे परेशान, दूसरे जो पैसेंजर सो रहे थे उन्हें भी क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और स्वयं को क्या कर रहे थे, इधर उधर सब गंदगी फैला रहे थे। तो कुछ ट्रेवलर्स ऐसे थे। सम अदर्स आर ए सैनिटरी वन
who open and close the window when it was it is not required to do so. कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे, जो हमारे विंडोज होते हैं, जो खिड़कियां होती हैं, उसे ऊपर नीचे कर रहे थे जब उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, जो खिड़की के पास बैठने वाला जो शौकीन व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि ऊपर नीचे करता रहता है खिड़की को, या वो ये बताना चाहता है कि मेरी सीट किसके पास है, खिड़की के पास है। तो ऐसे भी यात्री हमें कई बार देखने को मिलते हैं। अगर हम उन्हें बोल भी दें कि भाई हमें सर थोड़ी दूर बैठने दीजिए, तो वो मना भी करते हैं हमें, फिर भी क्या करेंगे, तो भी उनका दिल मन नहीं भरेगा, तो क्या करेंगे, वो खिड़की को बंद कर देंगे अपने को परेशान करने के लिए। जिससे क्या होता है, हमें क्या होता है, उस पर गुस्सा आता है कि ये क्या कर रहा है, एक तो देखने नहीं दे रहा, ना तो पास में बैठने दे रहा है, ऊपर से खिड़की भी क्या कर दी इसने, बंद कर दी। फिर हम देखते हैं आगे, द माइटी स्लीपर्स आर इक्वल ट्रबलसम, कि कुछ लोग क्या हैं, सो रहे हैं आराम से, बढ़िया मस्त नींद ले रहे हैं ऊपर जाके ट्रेन के अंदर, बहुत सारे लोग करते हैं। वेयर एज द सेलर्स आर ए गुड कंपनी बट द कॉन्फिडेंटल स्ट्रेंजर्स आर डल पीपल, कि कुछ जो सेलर्स हैं, कुछ जो फौजी हैं, यात्री हैं, वो बड़े ही गुड कंपनी हैं, एक अच्छे यात्री बन सकते हैं या एक अच्छे साथी बनते हैं यात्रा के अंदर, बट कुछ कॉन्फिडेंटल स्ट्रेंजर्स हैं, कुछ ऐसे जो परेशान टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, डल कर देते हैं, ठीक है, उनका भी कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। द अदर काइंड ऑफ ट्रेवलर्स आर ए लाइक द गोल्ड हंटर, कुछ जो ट्रेवलर्स थे वो एक गोल्ड हंटर की तरह हैं, एडनली मैन हु रिमेन ऑलवेज फुसी अबाउट, कुछ ऐसे लोग थे कि जो ये मनुष्य हैं, जो मैन है, जो मानव है, वो हमेशा क्या करता है, खुद के जो रेलवे टाइमिंग है उसके बारे में क्या कहता है, देखता रहता है कि जो क्या करता है, ट्रेन के अंदर के कब पहुंचेगी, वो रह के क्या करेगा, घड़ी को देखेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति भी उस ट्रेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, विशेषकर ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि कौन होते हैं, बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो रह के क्या करते हैं, घड़ी को देखते हैं कि आगे आने वाला जो स्टेशन है वो कब आएगा, क्योंकि इन्हें क्या होता है, बड़ी ही जल्दी होती है अपने स्टेशन पर पहुंचने की। प्रेस्ले हैज वार्न द रीडर्स, प्रेस्ले जो है हमारे, वो रीडर्स को वार्न कर रहे हैं, रीडर्स को चेता रहे हैं क्या, कि बी कॉजन अबाउट द एंशिएंट मेरिनर, कि आप लोग क्या करो, जो हमारे एंशिएंट मेरिनर है, जो कि क्या है, जो एंशिएंट मेरिनर है, उनसे क्या रहो आप, हमेशा क्या रहो उनकी जगह, क्या करो आप, आप पुरातन जो नाविक हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप सावधान रहो, जो पुरातन के जो अपने पुराने जो लोग हैं, जो पुराने टाइप के जो लोग हैं, जो पुराने एंशिएंट जो लोग हैं, उनसे आप क्या करो सावधान रहो, क्या रहो आप सावधान रहो, एंशिएंट जो मेरिनर्स हैं उनसे आप क्या रहो हमेशा सावधान रहो। हु हाइपोनाइट द अदर्स ट्रेवलर्स, जो कि क्या करते हैं, अपनी बातों से क्या करते हैं, हाइपोटाइज कर देते हैं, उन्हें क्या करेंगे, हाइपोटाइज मतलब उनके जो विचार होंगे, माइंड वॉश होगा, जो माइंड उनका जो सेटअप होगा, वही माइंड वॉश क्या कर देंगे, पास वाले लोगों का भी कर देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा क्या रखो, ट्रैवलर के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर क्या रहो, दूरी बना के रखो, ट्रैवलिंग के अंदर क्या करो, दूरी बना के रखो। इट इज ए लिवली एंड ए थॉट्स प्रोवोकिंग ऐसे, ये जो ऐसे हमें देखने को मिलता है जो जेबी प्रेस्ले का है, ये विशेषकर एक जीवंत और एक विचारपूर्ण या सोचने लायक ऐसे हैं हमारे लाइफ के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर, जिससे क्या है, हमें उस विचार, कुछ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी बातों का विचार करना चाहिए जो हम क्या है अमूमन नहीं करते, हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें उन यात्री को, क्योंकि एक जीवंत ऐसे हैं, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग का जो एक जो यहाँ पे बातचीत चल रही है, ये एक हमारे लाइफ का क्या है, रोजमर्रा का ये एक पार्ट है। तो इस ऐसे को हम एक जीवंत भी कह सकते हैं और एक विचारोपरांत, कि इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके जो थॉट्स हैं हमारे, उनको क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये एक जो ऐसे हैं जेबी प्रेस्ले का, बड़ा ही खूबसूरत ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसी के साथ हमारे जो ऐसे वाला जो पोर्शन है, जो हमारे 8 जो ऐसे आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब हम जो हमारी जो आगे आने वाली जो क्लास होगी, उसके अंदर हम अपना जो स्टोरी का जो पोर्शन है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप इन सारे ऐसे को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना,
आराम से एक बार समझ में नहीं आए वापस रिपीट करना क्लास को, और अच्छे से आप क्या करना अपने जो ये दो मंथ मिल रहे हैं आपको उसमें तैयारी करना, क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर जब सेमेस्टर टू आपका होगा तो आपके अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है सिर्फ प्रोज का पोर्शन है, इसलिए हमारे लिए क्या रहता है लिखना आसान रहता है। ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं अभी एक और नई क्लास में, कि जब आपके सामने आऊं तो मैं आपके लिए एक नया पोर्शन जो हमारी कहानियों का पोर्शन है वो मैं आपके सामने लेके आऊं। थैंक यू।